नाना सुने हम तुम्हारी बात? तुमने झूठ बोला ना? हाँ, हमने कोई झूठ नहीं बोला। समर, तुमने झूठ बोला है कि तुम्हें खांसी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें आइसक्रीम खानी थी। अब गलती पकड़े जाने पर तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो ना झूठ बोलना कितनी गलत बात है। माँ, हमने कोई झूठ नहीं बोला। सच में हमें खांसी नहीं आ रही थी, मैं आइसक्रीम नहीं खाया। तो फिर कल रात को नहीं माने तुम्हें दवाई क्यों पिलाई? माँ, हमने नई मम्मी से कहा था मैं खांसी नहीं आ रही है, लेकिन नई मम्मी ने कहा वो हमें 2 चम्मच पिलाएगी तो हमें नींद आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सोने की भी दवा है और हमें जबरदस्ती दवा पिला दी। ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो क्या ये सच है? क्या नहीं माने तुम्हें दवा खांसी के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए दी थी? अम्मा, हम सच बोल रहे हैं। ससुर जी, ये लो, ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए। इको पहन के ना बाहर जाना, ठंडी नहीं लगेगी। बाबूजी, अरे अरिका पहनने के बाद तो बाबूजी कैसे लग रहे हैं? मतलब जो असली निशानी है बाबूजी की वही एकदम छुप गई, अब पहचानने में भी नहीं आएंगे बाबूजी सज्जन सिंह जी है कि कौन हूं। मतलब दीदी, आपने कल रात समर को दवाई क्यों दी थी? दे दिए काहे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, ए लिए। क्यों दी थी आपने उसे दवाई? इसलिए कि इसकी तबीयत खराब थी या फिर इसलिए कि ये सो नहीं रहा था और आप इसे जबरदस्ती सुलाना चाहती थी? हमने छुटके ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उनको खांसी हो रही थी, इसलिए हमने दवा पिला दी। बाकी कौन को दवाई पिलाने का कौन शौक होता है का? छुटके ठाकुर को सुलाने के लिए थोड़ी ना दबा पिलाएंगे, हमका कब भागल दुगल समझाएगा। लेकिन ये तो हर कोई जानता है ना कि खांसी की दवाई से नींद भी आती है। अच्छा, ए लो, हमका तो ये पता भी नहीं था। अरे यार, ये मास्टर नहीं यार, ये तुम्हारा ना ये कोर्ट कचहरी बंद करो यार। ये साला जब देखो तो मतलब का बिना बात के बवाल आ रहे हैं, का कुछ काम धाम नहीं? और कौन नहीं शक्ति भी, जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। यहाँ बात समर की हो रही है और हमने ये पहले ही साफ साफ कह दिया था कि अगर समर के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। समर, कल रसोई में जो कुछ भी हुआ था सबको बताओ। माँ, हमने भी नहीं माँ से कहा था कि हमें सर्दी नहीं हुई है, तो भी नहीं माने, हमें जबरदस्ती दवा पिला दिया। अरे यार, अभी का बात भाई यार है? अरे यार, पिलाई दी तो पिलाई दी ना, दबा पिलाई है ना, है मतलब का कोनो जहर थोड़ी पिलाया था? फिर का फालतू फोकट यार, का मतलब ये सब का? मतलब है शक्ति भैया, बच्चे को अगर बिना किसी कारण के दवाई दी जाती है तो उसके लिए जहर भी साबित हो सकता है। उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर भी हो सकता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। चुप, अब कानों नहीं बोलेगा। नई की बहुरिया, तो साफ साफ एक चीज बता कि तू हमरे समर को दवाई पिलाई थी कि नहीं। देख, एक चीज बहुत साफ बता देगा, तू ठाकुर सज्जन सिंह की बहुरिया है,
और इसलिए है कि हमरे समर को महतारी की जरूरत थी और तुमको नयकी महतारी के रूप में यहाँ लावा गया। एमा कौनो गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बताए दिया। तो हमको साफ साफ बताओ कि तुम उसको दवा पिलाई थी कि नहीं।